हमारे खास मुलाकात कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज इसी कड़ी में हमारे साथ वरिष्ठ साहित्यकार रमेश खंडेलवाल जी हैं। रमेश खंडेलवाल जी से इनके साहित्यिक क्षेत्र से जुड़ी बातें इनसे करेंगे, साथ ही प्रथम दृष्टया इनसे इनके जीवन परिचय के बारे में हम जानेंगे, कहाँ से हैं, शिक्षा इनकी कहाँ हुई और कब से इन्होंने साहित्यिक क्षेत्र में अपना बीजारोपण किया और साहित्यिक क्षेत्र में इनके गुरु कौन थे, ये सब चीज़ें इनसे बखूबी हम जानेंगे। आइए बात करते हैं वरिष्ठ साहित्यकार रमेश खंडेलवाल जी से। रमेश खंडेलवाल जी, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत नमस्कार सर। रमेश जी, आप अपने जीवन परिचय के बारे में बताएं, आप कहाँ से हैं, आपकी शिक्षा दीक्षा कहाँ हुई और कब से आपने साहित्य क्षेत्र में अपना काम शुरू किया? मैं रमेश खंडेलवाल, दीगो तहसील में कोटा ज़िले में टाकरवाड़ा नाम का गांव है जी, वहाँ पर रघुनाथ जी खंडेलवाल मेरे पिताजी, सहोदरा मेरी माँ का नाम है, उनके यहाँ पर 22/9/1956 को मेरा जन्म हुआ था। मेरी प्राथमिक शिक्षा टाकरवाड़ा में ही हुई है और उसके बाद 8वीं तक मैं बूढ़ादीत में पढ़ा। 8वीं के बाद 9वीं में कोटा आ गया जी। कोटा में स्नातक तक कोटा में पढ़ा। मेरी जो साहित्यिक जो शुरुआत हुई जी, वो बाल्यकाल से ही हो गई, क्योंकि मेरी माँ भले ही अ ब एक और दो पढ़ी हुई है मगर वो साहित्य प्रेमी है और उन्होंने लगभग सभी साहित्य पढ़ रखा था और वह कई प्रकार की कहानी किस्से हमें सुनाया करती थी। जैसे महाभारत उनको करीब करीब काफ़ी कुछ याद थी, रामायण काफ़ी कुछ याद थी, गीता जी वो नियमित रूप से पढ़ती थी और जैसे हमको कई बार वो सुनाया करती थी राजा हरिश्चंद्र, मोरध्वज राजा, बाबा रामदेव, तेजाजी, चोइस बगड़ावत, इन सब की कथाएं उन्होंने पढ़ रखी थी और वो हमें सुनाया करती थी। साथ में हमारा जो ननिहाल है मोरपा है सुल्तान के पास, तो वो कभी जैसे अपने पीहर जाया करती थी तो वहाँ से हमारे मामा जी कल्याण मंगाया करते थे, तो वहाँ से वो कल्याण लेकर आती थी, तो वो स्वयं तो पढ़ती थी तो वो मैं भी कल्याण को टटोलता रहता था। तो बाल्यकाल से ही मेरे को पढ़ने में रुचि जागृत हुई। तो पढ़ने में रुचि जागृत हुई तो मेरा मतलब पठन में तो बहुत रुचि थी, लेखन में मेरी मैं शुरू में समझता नहीं था। रमेश जी, उसके बाद जब आप बड़े हुए तब कब से आपने अपना साहित्य लेखन लिखना शुरू किया? मैं जब 10वीं में पढ़ता था जी, तब मैंने एक पहली रचना लिखी थी। तब मेरे को लगा कि मैं भी कुछ लिख सकता हूँ। रमेश जी, उस समय जो साहित्य क्षेत्र में आपको आगे बढ़ाने वाले कौन लोग थे जिनसे आपने साहित्यिक यात्रा को आगे बढ़ाया? फिर उसके बाद एक बार हर गोविंद जी की रासलीला हमारे गांव में आई थी। बिल्कुल। वहाँ मंच से हमारे गांव के ही एक अध्यापक थे लक्ष्मी नारायण जी मालव जी, हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही, उन्होंने एक कविता सुनाई थी हाड़ौती की। अच्छा। कविता का शीर्षक था आंकड़ा की लकड़ी तगा तगा सोगन उतरिया पगा पगा। तो ये कविता जब मैंने उनसे सुनी तो मुझे भी लगा कि यार कविता तो अपन भी लिख सकते हैं।
तो उसके बाद में मेरे को प्रेरणा जगी, तो मैं वो तुकबंदियाँ शुरू करना शुरू किया। मैंने तुकबंदियाँ शुरू किया तो सन 80-82 की बात है, शिक्षा मेरी पूरी हो चुकी थी और मैं एक छोटा सा व्यवसाय करता था, पान की बोडी लगाता था वहाँ छावनी चौराहे पर। तो छावनी चौराहे पर पान की बोडी लगाता था और मेरा लेखन कार्य निरंतर जारी था हल्का फुल्का। तो मैंने उस टाइम पर बैठा बैठा लेख लिखता था और कभी राजस्थान पत्रिका में भेज देता था, कभी दैनिक नवज्योति में, कभी राष्ट्रदूत में, तो इन सब में मेरे लेख नित्य छपने लगे। मेरा इतना मोटा पुलंदा हो गया था। और उसी टाइम पर एक दिन सीएल सांखला साहब आए मेरे पास, तो उन्होंने कहा कि यार आप क्यों ना गोष्ठियों में भाग लो। वो आपके गांव के ही थे? वो हमारे गांव के ही थे जी। मैंने कहा यार मैं तो समझता नहीं हूँ, आप बताओ कहाँ। कि यार अपने यह जनवादी लेखक संघ की गोष्ठियाँ होती हैं, उसमें आया करो। मैंने कहा आ जाएंगे। तो वो मेरे को ले जाने लगे, तो मैं गोष्ठ में शामिल होने लग गया, तो मेरी और रुचि जागृत होने लगी लिखने की। रुचि तो मेरी बहुत तगड़ी थी लेखन कार्य की, बहुत ही तगड़ी, लेकिन आर्थिक स्थिति मेरी इतनी दयनीय थी कि जिसकी कोई हद नहीं है। उस चक्कर में मैंने वो पूरा जो पुलंदा है जो कटिंगों का अखबारों, वो मैंने एक तरफ डाला और मैंने कलम भी एक तरफ डाल दी और मैंने मेरा साहित्यिक कार्य एकदम ही बंद कर दिया। लेकिन वो जो बंद तो कर दिया मैंने साहित्यिक कार्य, लेकिन उसका अंकुरण मेरे अंदर प्रस्फुटित बराबर हो रहा था अंदर ही अंदर। तो मैंने सन 82-83 के आसपास कलम बंद करी, तो सन 2013 में उस कलम को मैंने वापस पकड़ा दोबारा। उसका फिर उसके बाद मैं निरंतर लेखन कार्य कर रहा हूँ, तो मैंने लगभग 4 पुस्तकों का पांडुलिपियाँ मेरे पास तैयार हैं। बहुत बढ़िया रमेश जी, आपने पांडुलिपियाँ तो तैयार कर ली, प्रकाशन में कब आप प्रकाशित करवा रहे हो? अब मैंने आज ही नवीन जी गौतम को बुलाया है जी जी, ताकि मैंने कहा पहली किताब तो मैं प्रकाशित करवाऊँ। वाह बहुत बढ़िया, क्योंकि साहित्यिक अकादमी से में भी जब पांडुलिपि भेजी जाती है तो आर्थिक संबल मिलता है वहाँ से, तो इस तरह का भी क्या है विचार आपका? अगर सहयोग मिल जाएगा जी तो ठीक है, नहीं तो फिर देखेंगे अपने हिसाब से करवाएंगे। रमेश जी, जब आप पहली बार काव्य गोष्ठी में गए, जो आपको सांकला साहब लेकर गए, तो उस समय आपको कैसा आभास हुआ था और कैसा लगा था? कि क्योंकि जब बड़े साहित्यकारों के बीच में जब प्रथम बार अपनी अपना कदम होता है, तो उस समय का वो संस्मरण बताएं आप दर्शकों को। वैसे तो हमारी कविताएं उन लोगों के हिसाब से थोड़ी कमज़ोर रहा करती थी जी, तो मन में भी वैसा विचार आता था कि अपन क्यों ना अच्छा लिखें। सही बात। लेकिन ऐसा कोई बात नहीं, साहित्यकारों का एक दूसरे का हौसला बढ़ाने का एक मतलब साहित्यकार का मन ही ऐसा होता है कि वो एक दूसरे का हौसला बढ़ाए, इसलिए मन में कोई प्रकार की ये फीकाई नहीं आई कि भाई मैं कमज़ोर हूँ। रमेश जी, आप उस समय पान की दुकान का एक छोटा सा व्यवसाय करते थे, घर की स्थिति को भी मतलब आर्थिक संबल प्रदान करने के वही आपका जरिया होता था शायद उस समय, तो फिर भी आपने लेखन की परंपरा मतलब साहित्यिक लेखन की परंपरा जारी रखी। उसके बाद जब आपने बंद किया तो मन में तो आपके साहित्य लेखन का बीज चल ही रहा था, लेकिन वह चीज़ आप पांडुलिपि उस समय तैयार नहीं कर पाए। उस टाइम पर नहीं, सन 2013 के बाद में वापस दोबारा कलम पकड़ी थी मैंने जी जी, जिसका परिणाम है आज। रमेश जी, आपने काव्य मंच भी साझा किए कहीं? हाँ जैसे जी, कवि सम्मेलन या कहाँ कहाँ आपने किए? काव्य गोष्ठियाँ तो
निरंतर चलती ही रहती है जी, वो तो सैकड़ों करती जी। लेकिन एक बार अपने दशहरा मैदान में कवि सम्मेलन में भी भाग लिया था, राजस्थानी कवि सम्मेलन में। कोई आपकी कविता हमारे दर्शकों को सुनाई? मैंने वैसे कविताएं भी मैंने लिखी है, लेकिन मैंने दोहों पर विशेष ध्यान दिया। जो आपको जो लिखा वो सुनाओ हमारे दर्शकों। अरे बीमा ले ले बावरे रे मूरख नादान, बीमा ले ले बावरे रे मूरख नादान, नहीं भरोसा काल का मत बन तू अनजान। अरे पग पग भारी रिस्क है, पल पल भारी हो, ना जाने कब क्या बने, ना जाने क्या हो, घातक घातक रोग हैं, घातक एक्सीडेंट, नहीं बनाई एफडी फंड न प्रोविडेंट, एक सरल स्कीम है अधिक प्रीमियम नाय, राम नाम की किस्त में यह बीमा मिल जाए, सालाना छह माहिना नहीं तिमाही मोड, जब तुझको अवसर मिले राम नाम दो जोड़, मिले कमीशन स्वयं को बने स्वयं एजेंट, कहीं न जाना भी पड़े करने को पेमेंट, अरे अपने दिल में ही बना प्रीमियम पॉइंट, जिसका इंटरनेट तू कर प्रभु से जॉइंट, अरे राम नाम का जोड़ ले, नाम राम का जोड़ ले, कर ले राम निवेश, जोखिम से मुक्ति मिले पक्का कहे रमेश रे प्यारे, पक्का कहे रमेश। वाह वाह रमेश जी, बहुत बढ़िया दोहे आपके, बहुत। रमेश जी, आड़ोती में भी कई साहित्यकार हैं, किन किन साहित्यकारों का आपकी लेखनी पर ज़्यादा प्रभाव देखने को मिला? आड़ोती के साहित्यकारों जी, आड़ोती में वैसे मेरी रुचि कम है जी, कुछ 10-5 कविताएं तो वैसे मैंने भी लिखी है आड़ोती की, पर मेरे को ज़्यादा उसमें इंटरेस्ट नहीं लगा जी। अब इसलिए आड़ोती के बारे में सिर्फ मेरे को अभी तक एक ही व्यक्ति सबसे बेहतरीन लगा मेरी दृष्टि में, मुकुटमणि राज। बहुत बढ़िया, अच्छे अच्छा माइंड वाचर में अच्छा गीतकार। रमेश जी, आपने जो ये आपकी जो लेखनी है उसमें किस किस विधा में आपका ज़्यादा ध्यान रहा? मेरी लेखनी में लगभग हर विधा है, समरस शायद ही नहीं, हर दोहा एक नए सब्जेक्ट में मिलेगा आपको। अच्छा, शायद ही कोई सब्जेक्ट छूट रहा हो। बहुत को हर सब्जेक्ट पे आपको कुछ न कुछ मिलेगा। रमेश जी, और सुनाइए आप हमारे दर्शकों को। तो अभी मैं कुछ दोहे लिख रहा हूँ, जैसे सामान्य दोहे, आध्यात्मिक दोहे, पर्यावरण दोहे। भले बुरे स्पर्श को जान सके हर को, भले बुरे स्पर्श को
जान सके हर कोई, वर्चुअल टच भी बुरा सभी वाकिफ हो। इसी प्रकार चपरासी तो बैंक का होवे दसवीं पास, नेताजी अनपढ़ बने शीश देश का भार, करे इशारा तर्जनी आयुर्वेद की ओर, चारों अंगुली मिल कहे एलोपैथी चोर, विज्ञापन भटका रहे देख रमेशा चाल, अरे भ्रष्ट प्रशासन बन रहा शायद इनकी ढाल, जो थोड़ा भी सोचता मोदी का है फैन, अरे अंधन जाने अक्ल के हुई राष्ट्र की गेन, ड्रिंक तमाकू स्वयं ही होते घातक हाय, ड्रिंक तमाकू स्वयं ही होते घातक हाय, उस पर पाउच प्लास्टिक प्रदूषण फैलाए। बहुत बढ़िया, पर्यावरण का बहुत अच्छा संकेत आपने दिया है। अरे बार बार हैं बिगड़ते, नेताओं के बोल, किसकी क्या औकात है स्वयं खोलते पोल। नक्सलवादियों के लिए, नक्सलवादी बन गए लेकर के बंदूक, अरे इनके कर में दीजिए ग्रंथ खोल संदूक। पंडों के वजह लिए लिखा है कि पाखंडी पंडित करें, पूजा को व्यवसाय, अरे भक्तों को धोखा मिले क्या श्रद्धा रह जाए। अरे घूमने की लिखती रपट, जब चोरी हो जाए, जनता को इस पुलिस की हरकत समझ न आए। सरकारी संभाग पर, करे रमेश आरोस, अरे 9 दिन तक फाइल चले पहुंचे 250 कोस, अरे नफरत के बाजार में, खोली प्रेम दुकान, काट देते हैं प्यार से हाय पकड़ कर कान। समझ गए होंगे, काट देते हैं प्यार से हाय पकड़ कर कान, ये जनरल दोए हैं। अरे उपदेशक ही रम रहे, कंचन कामिनी संग, फिर कैसे लागे भला उनकी वाणी अंग, मेरा हृदय सरल है, मेरा हृदय सरल है,
तू है माँ के लाल, कैसा कैसे अपना मेल हो मन में यही मलाल। शर से रावण मारते, शर से रावण मारते, कंकर से शैतान, अरे इनको मारे क्या बने, मारो मन शैतान। बहुत बढ़िया, बहुत खूब। रमेश मन मौजी बनो, रमेश मन मौजी बनो, रहो चाह से दूर, चोंच माही चुग्गा धरे जगन्नाथ भरपूर। हर धंधे में दोष है, हर धंधे में दोष है, नहीं कोई निर्दोष, धंधा तुम छोड़ो नहीं, छोड़ो केवल दोष। एक एक दोहे में संकेत दिया जा रहा है। एक शब्द में प्यार है, एक शब्द में प्यार है, एक शब्द में धार, एक शब्द मरहम बने, एक बने तलवार। बहुत बढ़िया, बहुत। अरे रे रमेश जग कुछ नहीं, रे रमेश जग कुछ नहीं, पल रोना पल गान, पल हंसना पल गान, कल मंडप में था खड़ा, आज पड़ा शमशान। बारह का खर्चा करे, बारह का खर्चा करे, आमदनी हो आठ, अच्छे दिन की देखिए जीवन भरी बाट। बड़े कहे जो भले की, बड़े कहे जो भले की, उसका बुरा मना, छोड़े जो कड़वी दवा, सीधा यमपुर जाए। बच्चे बनकर खेलिए, बच्चे बनकर खेलिए, बच्चे बनकर खेलिए, तुम बच्चों के साथ, रक्तदाब मधुमेह का कभी न लागे घात। रे रमेश तू डूब कर काम अपना छेड़, धरती में डूबे बिना बीज बने ना पेड़। बाधाओं से जो लड़े, बाधाओं से जो लड़े, बने सफल इंसान, बने न शांत समुद्र से नाविक क्षमतावान। अरे उनसे दूरी राखिए, उनसे दूरी राखिए, जिनकी घटिया सोच, ऊबड़ खाबड़ चाल से आ सकती है मोक्ष। मानव की ना हो रही, मानव की ना हो रही, मानवता से भेंट, भौतिक शिक्षा आज की पाल रही बस पेट। ये बहुत बढ़िया। आध्यात्मिक हो गए आप कहो तो, पर्यावरण के। रमेश जी, आपने जो ये साहित्य लेखन शुरू किया, ये क्या अनवरत आपका जारी रहेगा, क्या मानते हैं आप? ये अनवरत आजीवन आमरण जारी रहेगा। जब आप
आपकी जो पुस्तक आप बता रहे हो कि मैं बहुत जल्दी इसको प्रकाशन में लाने वाला हूँ, तो इसमें किसका सहयोग आपको साहित्यिक क्षेत्र में मिल रहा है? इसमें शिवनंदन जी शर्मा है हमारे मित्र, जी उन्होंने काफ़ी सहयोग किया है लेखन में, उसको लेखन में भी कोई कमी रह गई तो उनको भी सुधारा है, काफ़ी समय उन्होंने हमारे साथ दिया है। और आप काव्य गोष्ठियों में भी जाते रहे हो, मंचों भी आपने अपने काव्य काव्य पाठ किया है, तो कहीं से आपको अपने कोई बड़ी उपलब्धि हो, जैसे कोई भी पुरस्कार हो मिला हमारे अभी दर्शकों तक तो को? ऐसा नहीं है। जी, मतलब पुरस्कार का कोई हाँ हमारी मतलब आपको वह नहीं है हाँ जी। जाते जाते रमेश जी, आप जो पर्यावरण पे जो भी आपने लिखा हो सुना के जाइए। पर्यावरण को सुनिए आप, जी पर्यावरण भी आज बहुत आवश्यक है, बहुत जरूरी, इसलिए मैंने पर्यावरण पर भी लगभग एक पुस्तक लिख बिल्कुल, दी है। जिस तरह वायुमंडल का हाँ वो हो रहा एक है। पुस्तक लिख दी, उसमें कुछ सेलेक्टेड दोहे लेकर आया हूँ मैं। पर्यावरण बिगाड़ कर करते अगर विकास, पर्यावरण बिगाड़ कर करते अगर विकास, मानो घर को फूंक कर बुद्धू करे प्रकाश। बहुत बढ़िया, दारू की नदियां बही, दारू की नदियां बही, दूध नदी गत हो, भारत की गत देख कर हाय रमेश आरोय। हर मानव को चाहिए, हर मानव हर मानव को चाहिए एक पेड़ ले गोद, हर मानव को चाहिए एक पेड़ ले गोद, अरे पेड़ करोड़ों होंगे है रमेश की शोध। कुदरत बड़ी दयालु है, कुदरत बड़ी दयालु है, रखती सबका ध्यान, सब कुछ ही देती हमें ऐसी कृपा निधान। पृथ्वी सबकी मात है, पृथ्वी सबकी माँ है। मान रहा हर कोई, पृथ्वी सबकी मात है, मान रहा हर कोई, सदा सदा वंदन करो एक दिवस ना हो। प्राकृतिकता छोड़ कर, प्राकृतिकता छोड़ कर कृत्रिमता अपना, दुबई शहर में बाढ़ ने हाहाकार मचाई। देश काल अनुकूल हो, ऋतु भी हो अनुकूल, बहुत खूब, बहुत खूब, देश काल अनुकूल हो, ऋतु भी हो अनुकूल, ऐसे खाद्य पदार्थ ही हैं सेहत के मूल। निकला करती पाव में, निकला कर निकला करती पाव में काणी भिंडी पांच, अब काहे ना निकलती जांच सके तो जांच। और अंतिम, करते काम विकास का, करते काम विकास का पर्यावरण बिगाड़, अरे कुर्ता तो पहने नया पहने धोती फाड़। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। ये सर ये थे हमारे साथ वरिष्ठ साहित्यकार रमेश जी खंडेलवाल। रमेश जी खंडेलवाल ने एक पांडुलिपि तैयार की है इनके दोहों की, और जल्दी इनकी कृति प्रकाशन में प्रकाशन होकर आने वाली है, और जल्दी आप लोगों के बीच में होगी।
और ये एक छोटे से गांव से निकलकर बहुत संघर्ष करते हुए अपने जीवन यापन किया, लेकिन साहित्य का ऐसा जुड़ाव था कि इन्होंने उसको छोड़ने की कोशिश भी की, लेकिन उसने वापस इनको पकड़ लिया। और इनका कहना है कि जब तक जीवन है तब तक मेरा साहित्य लेखन है, ये इनकी भावना है, ये इनकी विचारधारा है। आज ये हमारे स्टूडियो में पधारे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत धन्यवाद।